नूरपुर के गांव मठोली में प्राचीन शिव मंदिर में सुबह से ही लोगों का तांता लगा रहा। लोग सुबह से ही लंबी लंबी कतारों में भगवान शिव के दर्शन करने हेतु पहुंचे। मंदिर के पुजारी सुरजीत नाथ ने बताया कि ये समय की विडंबना समझो या भगवान के प्रति हम लोगों की आस्था, जिसकी वजह से आधुनिक विद्यालय पावन स्थल मठोली में स्थापित हुआ। उन्होंने पुरानी कथा के बारे में बताते हुए कहा कि सतयुग में यहाँ पर कोटा शहर होता था, जो राजा जयचंद के राजवाड़े में आता है, जिसकी हद हरनोट, कुवल, तलवाड़ा, ज्वाली और कंडवाल तक फैली हुई थी। इस छोटे शहर में एक मंदिर होता था जिसमें महात्मा निवारण नाथ जी रहते थे, जो बहुत ही ज्ञानी और सदाचारी थे। इस कोटे शहर में बसौली जम्मू कश्मीर के एक लड़की की शादी हुई थी। ये लड़का जब भी अपने ससुराल आता, महात्मा निवारण नाथ के पास सुवचन और ज्ञान लेने जरूर जाता। राजा जयचंद के यहाँ अभी भी कोई संतान न थी। विवाह के बाद उनके यहाँ एक कन्या ने जन्म लिया। राजपुरोहित को जब उसके नामकरण की रस्म अदा करने को कहा गया तो राजपुरोहित ने घबराकर राजा से बोला कि महाराज, ये लड़की आपके लिए अशुभ है, इसको गेल गंगा में बहा देना। बाद में राजा ने उसे एक संदूक में डालकर बहा दिया, जिसके बाद ये बहती बहती एक धोबी को मिल गई। उसने उस संदूक को पकड़कर जैसे ही खोला तो उसमें एक सुंदर बच्ची अंगूठा चूस रही थी। धोबी को इस बात का पता था कि ये लड़की राजा जयचंद की है। धोबी के 4-5 बच्चे थे। उसने सोचा कि उसका एक मित्र जो कि कुम्हार है और मिट्टी के बर्तनों का काम करता है, उसकी कोई संतान नहीं है, क्यों ना ये बच्ची उस कुम्हार को दे दी जाए। वहीं मंदिर के पुजारी सुरजीत नाथ ने बताया कि ऐतिहासिक कथा का साक्षात प्रमाण है कि इस मंदिर में शिवरात्रि के दिन सुबह से ही लंगर लग जाते हैं तथा लोग दूर दूर से शिवलिंग के दर्शन करने और पूजा अर्चना करने सुबह ही लंबी कतारों में यहां पहुंचते हैं और अपनी मुरादों को पूरा करते हैं। नाम है सुरजीत सिंह उर्फ बिट्टू नाथ। ये सर सतयुग में कोटा शहर होता था। इस कोटे शहर का जो राजवाड़ा था ना, उसका था राजा जयचंद, राजवाड़े का मालिक, इसका नाम था जयचंद राजा। सतयुग में ये राजवाड़ा जो ब्रह्माण है एरिया जहाँ बोर्ड से पूरा उरा जो भी अपना बासव जी रहा बोर्ड के पूरी तरह से जो गंगस रोड गया है, जो जसूर है कंडवाल से ब्रह्माण तक, ये इतना बड़ा राजवाड़ा था सतयुग में कोटा शहर। कोटे शहर में जो राजा जयचंद जो था, इस कोटे शहर राजवाड़े का मालिक था और उसके घर में कन्या हुई थी लड़की। जब लड़की को अपने पंडित को बुलाकर पूछा उसका कोई लग्न, तो उसने बोला कि ये लड़की बहुत करड़ी है राजा, इसको पानी में कहीं बाहर हो तो जा किसी को दान पुण्य कर दो। अब दान पुण्य राजा बोलता कि मैं अपने बच्चे को दान पुण्य क्यों करना है, मैं इसको अपने जन्म में ही बाह दूंगा। तो सतयुग में सारा ऐसा है कि जो गरेड़ी आज नाम से बोलते हैं ना, जो गरेड़ी आज बोलते हैं, ये सतयुग में गंगा माता इस रास्ते आती थी और ये रास्ता गंगा माता का था। और इस जगह के ऊपर जब आज मंदिर है, जहाँ मंदिर होता था, ये जो पिंडी है, ये सतयुग में नाथ महात्मा जोगी होते थे, निर्वाणम रूप में रहते थे, और ये सतयुग में सिद्ध पुरुष जोगी नाथ थे। तो भगवान शंकर की आराधना से इनको कि आपने भोलेनाथ का ही मंदिर था, इनको आदेश मिला था कि वो लड़की जो है वो पानी में इस गंगा में बहा दी। छोटी सी पेड़ बना के राजे ने आगे धोबी कपड़े धो रहा था, तो धोबी ने वो लड़की पेड़ जो है नीचे नज़दीक आई ना, तो नज़दीक आने के कारण उसने बोला देश सोने रूप की पेड़ है, इसको मैं पकड़ लेता हूँ। पकड़ा उसने, उसको बाहर निकाला, देखा अंदर लड़की, छोटा सा बच्चा। उसने बोला कि ये बच्चा तो किसी राजे महाराजे का, सोने रूप की पेड़ कौन इस जन्म में बहा सकता है। उसने उस लड़की को निकाला, कुम्हार जो प्रजापत होते हैं बाड़े बनाने वाले, उनके घर में लड़की बच्चा कोई नहीं था, वो लड़की उनको दी। जब उनके घर में पालन पोषण हुआ, वो लड़की जवान हो गई, जब शादीशुदा भर के वो बरजोग्या हो गई ना, तो वही राजा जयचंद एक दिन सैर करते हुए निकला था, वही लड़की माटी भरने के लिए आई थी। उस लड़की को ही देखकर राजा जयचंद मोहित हो गया, और मोहित होने के कारण वो कहता कि ये लड़की मुझे बुलाए, मैं इसको अपना जितना बड़ा भार बोझा कैसे उठाएगी। और लड़की देखकर शर्म करे कि ये राजा जयचंद हमारे राजबाड़े का मालिक है, मैं इसको कैसे बोलूँगी मुझे जिस अपनी टोकरी माटी की उठा दे। राजा देखता रहा, लड़की ने इस माटी से बात की। कहते हैं प्रभु की सार की सतयुग में ये पक्षी पखेरू हवान जो भी चीज़ डंगर बच्चा जीव जंतु जो है भगवान का बनाया, ये सभी ही बातें करते थे जैसे आज हम बातें करते हैं। ये सब आपस में जैसे हम बातें करते हैं ऐसे ही ये बातें करते थे।
अब ऐसे हुआ कि लड़की ने माटी से बोला कि इतना बड़ा बार बरेंदी है माटड़ी है, तुझे कैसे उठाऊं सिर के ऊपर बाहर। माटी बोली कि फूलों की तरह तेरे सिर के ऊपर आ जाएगा, जितना भी बड़ा बार है तो उठा ले। अब लड़की ने उस टोकरी को अपने अकेली ने उठाया और वो अपने घर को चल बसी। जब अपने घर में जाके उसने टोकरी को फेंका, माटी को नीचे गिराया, राजा जयचंद ने अपनी घोड़ी जो है वो पीछे से वापस करके अपने महलों में चला गया। महल राजा जो जयचंद था ना, उसके महल जो थे वो ये तलाड़ा जो है राजा तला के पीछे जहाँ उसके महल है, आज भी वो चक राजे के महल बाड़े के जो तांबे का खूह बना हुआ रानी का वो आज भी है, लेकिन वो आज बरान है। तो इस करके कि जो है ना कि लड़की को देख के मौत हुआ और उससे अपना सोम्बर चढ़ना चाहता था, आके वजीर को भेजा। जब वो कुम्हार जो प्रजापा थे, किसी को पता, लड़की तो सोचती कि मेरे माँ बाप तो यही हैं कुम्हार ही हैं। अब लड़की को थोड़ी पता था कि ये मेरा बाप कौन है या कौन नहीं है। अब जो वजीर है वो बोलता है कि लड़की की शादीशुदा राजा जो है वो कह रहा है कि मैं जो धन दौलत लेना आप ले लो और मैं अपनी इस लड़की से शादी करूँगा। अब वो लड़की वाले जो है कुम्हार जो माता पिता उसके बोलते हैं कि हमने इसका भाई पालन पोषण किया है, ये पता नहीं हमें भी धोबी द्वारा मिली है, ये पता नहीं है किसका बच्चा है या नहीं है। अब लेकिन अभी तो हमारा बच्चा, हमने इसको तो पाला हुआ है। अब लड़की ऐसे करके वो वजीर वापस जाता है, वो कहता है कि राजा वो लड़की कहीं वो ही ना हो, आपका जन्म लेते ही करड़ी थी तो आज फिर ऐसा करेंगे तो कहीं शर्मनाश हो जाए कुछ हो जाए। उसने बोला पंडित को बुला के पूछते हैं, पंडित को बुलाया, पंडित को उसने ऐसा मन में किंतु रख के बोला कि अपने घर की घोड़ी हो उसके आगे बछेरी हो, राजा लोग उसके ऊपर सवारी कर सकता है। और पंडित को जितनी बात पूछी, पंडित जी बोले कि अपने घर की घोड़ी हो उसके आगे बछेरी हो, वो भी घोड़ी है उसके ऊपर राजा काठी डालकर आपने सवारी करनी है, उसका कोई विचार नहीं है। अगर राजा सीधा पूछता कि ये लड़की कौन है जब वो है तो चाहे उस बात का कोई टाल मटोल हो जाता। ऐसे करके उसने बोला वजीर को, उसने बोला हमारी होगी तो होगी, बोला घोड़ी की बिछेरी की बात पूछी, उसने बोला कि हाँ तो हमारी होगी तो बोल रहा, उसने पाली हुई है, हमने तो स्वयं पर चाहना है, मैंने इसको अपने शादीशुदा हो जाना है, मैंने इसको विवाह लेना है। ऐसे करके महाराज जब वो लड़की जो है ना उसको भी पता चल गया स्वयंवर वो रचा गया, इस बाबा जी को जो मंदिर है ये सिद्ध महात्मा जोगी नाथ थे, इनको आदेश मिला भोलेनाथ का कि तुम तो अपने मोक्ष की प्राप्त हो समाधि लगा के इस मंदिर के ऊपर ही रहोगे, लेकिन जहाँ का कुछ नहीं मैं छोड़ूंगा, ये कोटा शहर गर्क कर दूंगा, लेकिन जहाँ का कोई बीज बचा अपना बच्चा को बचा ले, वो लड़का भी नाश ना हो। तो प्रभु ऐसे है कि जब वो उसी दिन जब ये गर्क होना था, जिस दिन बरात चढ़नी थी ना, तो राजा जयचंद की बरात चढ़नी थी, उधर से ही एक लड़की सज झुक के टाइम के ऊपर राजा जो बछोड़ी है ना आज इसके राजबाड़े में वो शादीशुदा हुई थी। अब वो राजबाड़े में शादीशुदा हुई थी तो वो बचपन में बाबा जी की सेवा करती थी, उसी ही दिन जब गर्क होना था वो लड़की अपने घर मायके आई थी, उसके घर वाला भी आया था। जब वो आती थी तो अपने घर वाले को भी लेके बाबा जी के पास आती थी। जब वो लड़की को बाबा जी ने देश दिया कि बच्चे तू चल घर को, जी तेरे पीछे आ जाएगा जो तेरा प्रौणा है तेरे घर वाला है तो तुम चलो, लड़की अपने घर चली जाती है, लड़की के आगे भी अपना एक बच्चा था। और जो लड़की वापस जाती है, काफ़ी देर तक अंधेरा हो गया, जैसे 9-10 बजने का टाइम हो गया होगा, बाबा जी ने बोला बच्चे तू किसी से बात मत करना, मेरे पास आया है ये लड़की शादीशुदा जो हुई है, मुझे दूध वगैरह मेरी सेवा करती थी बचपन से ही, और तू किसी से बात मत करना, जहाँ चले जा जहाँ कुछ नहीं रहेगा, ये गर्क हो जाएगा 12 बजे के बाद। और लड़के ने जो है वो आत्मविश्वास किया, जब अपनी लड़की को जा घर वाली को उठाता है, वो अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, उसकी भी आँख लग गई होगी, जब उसको उठाया लड़की उठकर वो अपनी ऐसे ही सुत नींदी वो चल पड़ी, जब चल पड़ी तो जाके जसूर जो है इस एरिए के ऊपर उसने जिद कर ली, लड़के ने बोलता कि अरे हम आगे दिन में जाते हैं, आज आधी रात जाने का कारण क्या है। अब कारण की बात पूछती है तो उसने स्त्री हट किया, बोलती कारण ये है कि जहाँ कुछ नहीं रहेगा। उसने बोला कि स्वामी जब सत्य ही ऐसा है कि जहाँ कुछ ना रहेगा तो ना मेरा माँ मिलेगा, ना बाप मिलेगा, ना भाई, ना कोई, तो मेरा तो वंश ही खत्म हो जाएगा, तो मैं मेरा छोटा सा भाई मैं उसको देखाती हूँ, अपने माँ बाप को किसी को नहीं बुलाऊंगी क्योंकि सोए तो सारे मर जाएंगे। उसने बोला मैं 10 मिनट में आई आप खड़े हूँ। उसके मन में देश भगवान ने दिया कि अपना तो बगाना गोत्र लेके जा रही है, जहाँ का तो बी को बचा नहीं। अब वो लड़की आती है सर जाके पीछे, उसने अपने ना माँ बाप को किसी को नहीं उठाया, अपना जो भाई छोटा सा था माँ के साथ सोया हुआ उसको उठाया और अपना बच्चा वहाँ सला दिया। उसने सोचा कि मैं बच्चे को जन्म और दे दूँगी, लेकिन बच्चे को जन्म नहीं मिला, अपने भाई को लेगी उठा के जहाँ का बीज बचा के। और उसके बाद जब बरात चढ़ी, लग्न हो रहे थे, तो लग्नों में ऐसे ऐसे है कि अग्न प्रचंड होती थी, जब पंडित लग्न को पढ़ता था ना तो वो लड़की है उसका नाम रखा था सोरठ, और सोरठ लड़की जो है उसको भी एक बकरी द्वारा पता चला था, जैसे सतयुग में हर जीव जंतु डंगर बच्चा बात करता था कि लड़की
ऐसे कहीं बाहर अंदर आई होगी लड़की, बोलती कि ऐसे ऐसे घर खो जाएगा, तब उसको ब्राड रूप आया था कि अपनी माँ को पूजा आपके ऐसे ऐसे। उसने बोला हमारा बच्चा नहीं है बच्चे, लेकिन अब क्या करना, राजा लोक है। ऐसे में सर वो लग्नों में आग लगी थी वो बाबा, क्योंकि आग ऐसे लगी कि पंडितों को वो लड़की गाल गाती है कि बोलती है कि ब्याह पढ़े ब्याह पंडता तेनू डसले काला नाग, कहती जयचंद दी मैं बेटड़ी ते सोरठ मेरा नाम। और बार बार जैसे ऐसी बात बोले तो लगन में अगन, जब लगन में आग निकले तो पंडित को समझ आ गया। उसने बोला राजा तू तो गर्क हो गया, तूने अपनी प्रजा राजबाड़ा सब ही मुका दिया। फिर बोलते हैं कि वो राजा कपड़े पोशाक पाड़ कर अपना जहाँ महात्मा जी के पास आया था, इनके पास एक डंडा भी होता था। अब लड़का वो राजा जब आया तो वो अपना पीछे पीछे लड़की भी भागी आती है कि आधा स्वंबर को रच गया था, और संदेह मिन्त करता बाबा जी मुझे बचा लो कहीं किस कैसे भी बचा लो। उसने बोला इतना पाप करके आ रहा मैं क्या बचाऊंगा, लेकिन चलो जो तू छुपना चाहता है। तो बाबा जी ने कहते मक्खी बनाकर उसको डंडे से लगाया। दो मिनट में लड़की आके बोलती कि हे जोगी नाथ बाबा मेरा चोर दे दे सिद्ध पुरुष, नहीं तो मैं तुझे शराब दे दूंगी। उसने बोला रुक बच्चे शराब मत देना अपना चोर ले जा। उसको जिंदा कर दिया राजा ने। राजा को बाबा जी ने बोला कि हरे राजा जयचंद चल उठ सवरदान हो। सवरदान करके उसको लड़की को बोला ऐसे जोड़े दोनों हाथ करके बाबा जी ने कि बच्चे अपने चोर को ले जा और मैं अपनी समाधि लगाने लगा। और वो लड़की जो उसको ले गई राजा लोग था उनके घर में कौन कमी थी, द्वारा फिर उसको ऐसी ही घोड़ी में चलेगी। अब आज भी वो बरात में सियाल पत्थर बरात हो गई थी, जब बरात चढ़ी वो लड़की जो कोटे वाली माता के नाम से ये लड़की वो है कि वो सती नहीं हुई कुछ नहीं, जैसे कि सिद्ध पीठ वो बराट रूप में बनखंडी माता रूप जो कोटे वाली माता है, ये सत जो की उस राजा जयचंद की लड़की थी। शायद मैं ये भी नहीं बोल सकता हूँ कि ऐसी बात है कि कोई वहाँ का पुजारी सेवक भी होगा, लेकिन उनको इतना पता भी नहीं होगा कि ये लड़की कौन थी क्या था इसका जो मुंड है या क्या है। ये लड़की वही जयचंद राजे की थी कि जो ऐसे फिर बाद में प्रकट। और ये मंदिर की जो पिंडी है 100 फुट तक शिवलिंग नीचे को जाता था कि जो राजा अपने पार के राम सिंह वजीर होते थे, इनका पूर्व वजीर जब इनका पूरा वंश चला तो फिर वो लड़की जो अपने भाई को ले गई थी उसका आगे कुछ नहीं हुआ, वो तो कुल देवी बनी है, उनका कुल हमारे पास इधर आता है, क्योंकि उसके आगे कुछ नहीं हुआ, वो अपना कुल बचा के ले गई। और जो भाई को ले गई उसके आगे 4 पुत्र हुए थे, 4 पुत्रों के आगे आज को हरियाणा में पसोली में जम्मू में पठानकोट में भी रहते हैं, इधर आते हैं मंदिर में। जो बाबा जी है उनका जठेरा है, और जो कुल को बचा के लड़की ले गई है वो है कुछड़ खत्री वंश कुछड़ खत्री जात। और ये लड़की बेचारी सभी हो गई थी जो कोटे वाली माता, और जो बरात है वो सियाल पत्थर हो गई थी। और जो फिर सनंदर होता था आज के 500-600 साल पहले की बात है कि राजा राम सिंह जो वजीर थे इनके पूरे वजीर को सनंदर होता था कि वजीर तो बोलता था राजा को कि नहीं शादी करना चाहे लड़की वो ना हो, लेकिन तू सत्य धर्म के ऊपर था वो नहीं माना, लेकिन तेरा जन्म मैं कहीं कभी जरूर दूंगा, आगे आगे वजीर तू बनता जाएगा। उसको रोज सपना होता था सारे समंदर के पिंडी नजर आती थी। अब वो पिंडी को फाड़ने देखते थे, पिंडी 100 फुट तक शिवलिंग नीचे को जाता था, शाम हो जाती थी अंधेरा हो जाता था, जब वापस जाते थे सुबह आते थे तो शिवलिंग शुभन हो जाता था, ऊपर माटी माटी मिलती थी। 4th दिन के बाद राजा का जो वजीर जिसको सपना होता था वो खुद आया। अब वो ही देखता, वो बोलते रोज ऐसे होता है। अब उसने बोला पुटो इसको फाड़ो, फाड़ते 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 वो ही टाइम आ गया, तो उसने लिया जोर से पिंडी को मार दिया। अब पिंडी से खून की धारा रन निकला, इतना उसके कपड़े भर गए, जब वजीर के कपड़े भर गए उसने लिया तो जब भी मार के रोता है कि मुझे बचा लो कि मुझे छुपा लो राजा। वजीर जो था ना उसने फिर इसको चुपकर अपने पिंडी के साथ चप्पी लगाई, जो मजदूर ने लगाई थी जोर से खींचकर उसको दिया, घर ले गए घर, पानी उसको पीने को दे दो, उसने लुढ़े कीड़े चले जी, अगर उसको खाना खाने को दिया उसमें फिर लुढ़े कीड़े चले। और बाबा जी का जिस सामने से मेरा मंदिर क्या बनाना है फाड़ के देना चाहता है, लेकिन तुझे मैं किसी भी जन्म में मानव चोला मनुष्य नहीं दूंगा, तुझे नर्क में रखूंगा। उसने बोला मेरे गुनाह गलती को बख्श दो, एक बार बख्श दो बाबा, मैं तेरा मंदिर प्राच जैसे भी है तंत्र की विधि से बनाऊंगा, यज्ञ भंडारा। कहता कि यज्ञ भंडारा लगाएगा जहाँ ही मेरा मंदिर बनाएगा, और जो भी झूठी पत्र पांडा बर्तन होगा उठाकर सब तुझे फेंकना पड़ेगा, और झूठ भी चाटना पड़ेगी तब मैं तुझे माफ़ करूंगा, नहीं तो मैं माफ़ नहीं करूंगा। ऐसे ऐसे ये मंदिर का निर्माण इन्होंने किया था, जो राम सिंह वजीर के पूर्व वजीर पिछला खानदान शुरुआत जब चला है।
उन्होंने ऐसे ऐसे करके जब जहाँ मंदिर की प्रतिष्ठा कराई थी सर, तो जब पूरी पाठ खाने बैठी और भी राजे वजीर बैठे थे, तो उसने सभी के आगे जोड़े हाथ किए। उसने बोला अगर मैं रोऊं तो मेरी आंख ना किसी ने पहुंचाना, जब मैं गर्दन पांडा पत्तल कुछ भी उठाऊं तो मेरा बाजू किसी ने पकड़ना, क्यों कि मैंने आपको पहले बोल दिया आपने खाना है और उसके साइड में जाना है, क्योंकि मेरे को रोते हुए चुप नहीं कराना ना मेरा बाजू पकड़ना। और जो झूठी पद्धति कहते उसने ऐसे चाटना बोलना कि हे मेरे महादेव मुझे माफ कर देना कि जो मैंने गैंती पत्थर तुझे मारा है। ऐसे ऐसे उसने माफी मांग के अपना पाप गुनाह बिठाया था। और ये मंदिर का इतिहास ये है, आज जो कुल देवी लड़की है वो बसोली में जो सतयुग में ब्याही थी, वो कुल देवी उनकी प्याण कुलज है। और बच्चा जो भाई लेगी थी उसके चार पुत्र आगे हुए थे जब शादी की थी, जवान हुआ था, तो उसकी आगे खिंडदा है, जहाँ भी पठानकोट हरियाणा लवीणी जम्मू इधर भी है, बसोली में भी है, फिर बणी खेत में भी है, आगे एक जहाँ नूरपुर LIC का दफ्तर नहीं था, ओवर सिर था, वो खत्म हो गया है, क्योंकि उनकी शाखा चली हुई है ना आगे आगे, और आज वो जहाँ हमारे पास आते भी हैं। जी उनका चेहरा है, जो लड़की है वो कुल देवी को है।